खबर हल्द्वानी से है, जहां आईटीआई गैंग ने आतंक मचा रखा है। सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर होने वाले ज्यादातर झगड़े आईटीआई गैंग के होते हैं। बीते दो मेलों में भी आईटीआई गैंग द्वारा मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। लोगों पर तलवारों से भी हमला किया गया। ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि सीओ नितिन लोहानी का कहना है कि आईटीआई गैंग द्वारा अराजकता, मारपीट और कानून व्यवस्था गाड़ने की शिकायत मिली, जिसके बाद वो इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही वीडियो फुटेज के जरिए गुंडों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही शहर में कानून व्यवस्था बहाल हो गई है और इसके लिए सभी थाना और चौकी इंचार्जों को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इस चीज को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये नुमाइश वाली जो भी लड़ाई हुई थी, उसके बाद तुरंत पुलिस ने दबिश दे के कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया है, और कस्टडी के साथ साथ ये वेरीफाई किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कौन कौन लोग उस कृत्य में लिप्त दिख रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं, जो वेरीफाई हो चुके हैं, वो भी फरार हैं, उनको भी दबिश दे के तुरंत पकड़ा जाएगा और इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके साथ। इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं, इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है कौन कौन लड़के हैं, कौन कौन संलिप्त हैं इसमें।